She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. Hi everyone, welcome back to my channel. तो आज मैं आपको कुछ मेकअप टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें कि स्पेशली इंस्टाग्राम में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका मेकअप जो है वो केकी लगे और लॉन्ग लास्टिंग ना रहे. तो इसके लिए ये कुछ मेकअप टिप्स हैं जो कि बिगनर्स के लिए हैं, जो कि अभी मेकअप सीख रहे हैं. तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़, जब मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया था, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई थी, कि अगर आपका स्किन केयर रूटीन जो है वो अच्छा नहीं है तो आपके फेस पे मेकअप अच्छा नहीं लगेगा. आपको अपनी स्किन को अच्छी मसाज देनी होगी मेकअप से पहले. बहुत ज़्यादा आपकी स्किन की कंडीशन ख़राब है, थोड़ी सी आपको स्किन को मसाज देनी होगी और उसके बाद आपको मेकअप स्टार्ट करना होगा. अगर आपने स्किन केयर नहीं किया है और आप मेकअप स्टार्ट, तो बहुत सारे चांसेस है कि मेकअप केकी होगा और जब पसीना आएगा या थोड़ी देर बाद आप बाहर भी जाएंगे, स्वेट होगा हल्का सा. ज़रूरी नहीं है, विंटर सीज़न है नहीं आता, हमारी स्किन है वो ऑयल छोड़ती है बाहर. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विंटर सीज़न है आपको स्वेट नहीं होगा. होता है स्वेट, वो आपके अंडर आइज़ में और नोज़ के साइड्स में. तो यहाँ पे आपको केकीनेस दिखनी सबसे पहले स्टार्ट होगी. इसके लिए आपको क्या करना है, अपना स्किन केयर अच्छे से करना है. अपने फेस को क्लीन करें, एक अच्छा टोनर अप्लाई करें. टोनर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप अपना नॉर्मल रोज़ वाटर अप्लाई करें, स्प्रे करें अपने फेस पे, थोड़ी देर वेट करें उसको ऑब्जर्व होने के लिए. उसके बाद आप अपना सिरम लगाना है तो है लगाएं, वरना आप अपना अच्छा सा जो भी आपको क्रीम या मॉइस्चराइज़र जो भी आपको सूट करता है फेस क्रीम, आप वो अप्लाई करो. उसके बाद आप अपना प्राइमर लगा के अपना मेकअप रूटीन जो है वो स्टार्ट करो. तो मुझे अभी भी याद है कि मैं एक शादी में गई थी और वहाँ पे जो था मेकअप जो था मेरी फ्रेंड ने, वो किसी बाहर पार्लर से कराया था. लेकिन वहाँ पे मैंने देखा वो क्या कर रहे थे, वो स्किन केयर के नाम पे आपके फेस को बस एक टिश्यू से ना उन्होंने ऐसे रब किया, उन्होंने वो प्राइमर लगाया उसके बाद या वो मॉइस्चराइज़र लगाया मुझे नहीं पता, फिर उन्होंने डायरेक्ट मेकअप करना स्टार्ट कर दिया. तो ये जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो आप अगर बाहर से भी करवाते हो तो आप उन्हें बोलोगे कि आप मेरा पहले स्किन केयर करो और उसके बाद मेरा मेकअप स्टार्ट करो. ठीक है, स्किन केयर नहीं करोगे, ऐसे ही मेकअप कर दोगे, स्किन में पिंपल आ जाएंगे, मेकअप केकी हो जाएगा, मेकअप बिल्कुल सूट नहीं करेगा, बहुत ही बुरा दिखेगा, लॉन्ग लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, वो थोड़ी देर बाद आपका फेस में बैंड बजवा देगा. सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिली, मतलब लोगों ने इतनी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, कि लोग DIY मेकअप बना रहे हैं. DIY मेकअप जैसी कोई चीज़ नहीं है. आप नहीं बना सकते हो फाउंडेशन घर पर, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो. उनकी प्रॉपर लैब होती है, वहाँ पे बनती है वो सारी चीज़ें. तो एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें कि था DIY प्राइमर. प्राइमर के लिए उन्होंने क्या किया, कंसीलर में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर लिया, एलोवेरा जेल में कुछ कुछ मिक्स कर लिया, लो जी हमारा प्राइमर रेडी हो गया. आपके पास मेकअप नहीं है, आपने अपना एलोवेरा जेल फेस पे लगा लिया, बीबी क्रीम लगा ली, लो जी आपका मेकअप हो गया. जी नहीं, आप नहीं कर सकते हो ऐसा. एलोवेरा जेल आप नहीं अप्लाई कर सकते हो अपने फेस में मेकअप से पहले. एलोवेरा जेल एक स्किन केयर का है, उसे उसका स्किन केयर वाला काम करने दीजिए, बिल्कुल नहीं लगाना है वो. ठीक है, प्लीज़ ये DIY प्राइमर मत देखो और ना ही बनाओ. स्किन केयर और प्राइमर क्यों ज़रूरी, ये मैं आपको बता रही हूँ. आपका मेकअप जो है अच्छी तरीके से अप्लाई हुआ पूरे फेस पे, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर पाओगे अपने फाउंडेशन को, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, केकीनेस बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक है, अगर आप देखते हो मैं जब मेकअप करती हूँ तो मेरा जो बेस होता है वो फ्लॉलेस होता है. उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरे फेस में जो है फेशियल हेयर कम है या फिर मैं फेशियल हेयर रिमूव करवा देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप अच्छा स्किन केयर करोगे आपका जो बेस है वो अच्छा ही होगा. अच्छा, तो अगर आप बिगनर्स हो और आप ऐसे किसी की वीडियोस देखते हो कि उन्होंने, मैं भी ऐसा कभी कभी कर देती हूँ कि मैं अपना फेस का जो बेस मेकअप होता है वो पहले कर लेती हूँ और अपना आई मेकअप बाद में करती हूँ. लेकिन अगर आप सीख रहे हो, आई शेडो प्राइमर लगा के आप अपना आई मेकअप पहले स्टार्ट कर दो, उसके बाद जो है आप अपना फेस मेकअप करो, तो क्या होगा, अगर आपका फॉल आउट भी थोड़ा बहुत होता है स्किन के यहाँ नीचे, आप अपनी वाइप से उसे रिमूव कर लो, उसके बाद अपना प्राइमर अप्लाई करके अपना फेस का मेकअप स्टार्ट कर लो. प्राइमर अप्लाई करके अपना फेस का मेकअप स्टार्ट कर लो. तो अब जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इंस्टाग्राम में ऐसी हज़ारों लाखों वीडियोस हैं जिसमें क्या करते हैं, वो सब अपने फेस पे ना पंप करते हैं फाउंडेशन को,
मैंने यूट्यूब में भी देखा है कुछ यूट्यूबर्स को जो डायरेक्टली अपने फेस पे पंप कर देते हैं फाउंडेशन। अब अगर आप फाउंडेशन को अपने फेस पे पंप करते हो तो इससे क्या होता है, फाउंडेशन की वेस्टेज हो रही है, आपका फाउंडेशन जो है वो केकी हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो बेटर है आप अपने हाथ पे ले थोड़ा सा, हल्का सा उसमें डैब ब्यूटी ब्लेंडर को ले और उसके बाद धीरे 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 अपने फेस को ब्लेंड करना स्टार्ट करें। ब्लेंड करने का तरीका ये होता है, एक बार आप उसको पंप करो या फिर आप उसको 2 times कर सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा आपके फेस को जरूरत ही नहीं है, इतनी जरूरत ही नहीं है। तो इतना सारा मेकअप लगा लोगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आपके फेस में आ जाएगा तो क्या होगा, केकीनेस होगी, बहुत ही बुरा दिखता है। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। और जो दूसरी चीज है वो ये है कि आप अपने फेस में जब डॉट डॉट करके आप अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आपके जो फाउंडेशन है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट होनी चाहिए। हर फाउंडेशन की अलग अलग कंसिस्टेंसी होती है। बेटर ये रहेगा जब भी फाउंडेशन लगाएं आप अपने हाथ में ले लें थोड़ा सा 1-2 pump ब्यूटी ब्लेंडर जो आपका होता है, जिसका पानी में थोड़ा सा निकाल के बिल्कुल अच्छे से आप उसका पानी निचोड़ के जब आप अपने हाथ में उसको लो, हल्का सा अंडर आइज पे नहीं अंडर आइज के नीचे इस तरीके से आपको धीरे 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 अप्लाई करना है। एक और जो गलती है जो मैं देखती हूँ बहुत सारे करते हैं, मतलब वो तो इतना ज़्यादा पसंद है सबको, मुझे समझ नहीं आता इतनी जल्दी क्या होती है, किस चीज़ की होती है इतनी जल्दी, फाउंडेशन लगाते हैं उसे ड्रैग करना स्टार्ट, मैं ब्यूटी ब्लेंडर खींच रहा है उसको बस इधर से उधर, सफेदी है मारनी तो है ना। इसको जब भी अप्लाई करें इस तरीके से अप्लाई करें, इस तरीके से अप्लाई किया हल्के हाथ से, थोड़ा सा लेते हैं हल्के हाथ से अप्लाई करते हैं, जितना आपकी स्किन को चाहिए उतना आपकी स्किन में लगेगा। इसके ऊपर मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाई कि आप अपने फाउंडेशन कैसे पूरी तरीके से अपने फेस पर लगाएं। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन यूज़ किया है जो कि मेरा फेवरेट है लैक्मे का, 9 to 5 प्राइमर प्लस फाउंडेशन। ये नहीं है कि मैंने बहुत जो है एक्सपेंसिव फाउंडेशन यूज़ किया, मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल बहुत ही अच्छा फाउंडेशन यूज़ किया, क्योंकि मेरी टेक्निक अच्छी थी इसलिए वो मेरे फेस में अच्छी तरीके से लग पाया। आप धीरे धीरे अपने मेकअप करो, अभी आप सीख रहे हो, क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो ना। बच्चा स्कूल जाता है तो या उसको ये बोला जाता है कि आज तुम्हारा राइटिंग का कंपटीशन है और इतने मिनट में आपको ख़त्म करना है, वो पहले अपनी ABCD सीखता है ना हर चीज़ की, इसीलिए बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको स्किप करोगे सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा आगे जाके। अब मैंने कुछ लोग देखे हैं जो कि अपने फाउंडेशन को इस तरीके के ब्रश जो होते हैं उनसे अप्लाई करते हैं और बहुत ही गलत तरीके से अप्लाई करते हैं। ये ब्रश जो होते हैं वो इन्हें ऐसे फाउंडेशन लगा के इस तरीके से पूरे अपने फेस पे ना ऐसे ऐसे ड्रैग करना स्टार्ट। आप क्या कर रहे हो, आप फिर से फाउंडेशन को ड्रैग कर रहे हो जैसे आप ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से लगा रहे हो, कोई चीज निकाल थोड़ी रहे हो स्किन से, उसको अप्लाई कर रहे हो ना। जो हमारी ब्रशेस होते हैं हमेशा उनके ये चीज हमें यूज करनी चाहिए, आप अपने ब्रश की ये साइड क्यों यूज करें। जब आप टूथपेस्ट करते हो तो क्या आप उसके साइड से टूथपेस्ट करते हो, आप आगे से करते हो ना, इस तरीके से करोगे ना अपना। आप अपना ब्रश भी करते हो तो आप ऐसे करते होगे ना, ऐसे तो नहीं करते हो, ठीक है। तो फाउंडेशन को कभी भी इस तरीके से नहीं लगाना है, तो अपने फाउंडेशन लिया इस तरीके से, अगेन डैबिंग मोशन जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर के साथ होता है वही होता है इसमें भी, उसको स्प्रेड भी करना है ना पूरे जगह पे, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से करोगे कभी भी मेकअप ना है आपका बुरा नहीं दिखेगा, हमेशा अच्छा ही लगेगा। जब भी अपना ब्रॉन्जर अप्लाई करें चीक बोन के यहाँ नीचे की साइड पे अप्लाई करते हैं, ऊपर यहाँ पे मुझे अपना हाइलाइटर नहीं लगाना है, मैं कहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे हाइलाइटर में और यहाँ ब्रॉन्जर में थोड़ा गैप होना चाहिए आपका, मतलब आप एक जगह को बिल्कुल अंदर शेडो दिखा रहे हो और एक जगह बिल्कुल एकदम तीखी सी ऊपर आई हुई है, तो वो बहुत अजीब सा दिखेगा, है ना। ऐसे नेचुरली होते तो है नहीं हमारे फेस। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ ब्रश को होल्ड करने के लिए, अगर मैं इसे बहुत पास से पकड़ूंगी तो जो शेड होगा जो भी कलर होगा उसको मुझे डार्कनेस चाहिए, इसलिए मैं उसको आगे से पकड़ रही हूँ। अगर मुझे ब्लेंड करना है तो मैं उसे दूर से पकड़ूंगी, आराम से हल्के हाथ से दूर से सर्कुलर मोशन में। यही चीज आप अपने ब्रॉन्जर के साथ भी करेंगे, ब्लश के साथ भी करेंगे। रीजन पता है क्या होता है, आपका मेकअप एकदम से बहुत ज्यादा लग जाता है, ब्लश बहुत ज्यादा लग जाता है, ब्रॉन्जर बहुत ज़्यादा लग गया, अब उसको कम कैसे करें, वो यही होता है। हमने जो ब्रश होता है ना उसे बहुत दूर से पकड़ा होता है। तो अब अगर आप इस ब्रश को देखोगे, ये मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का ब्रश है, इस ब्रश में इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, मतलब इस तरीके से एक स्पेस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, जिससे क्या होगा आप अपने ब्रश को सिर्फ यहीं से पकड़ोगे, मतलब अगर जो भी कोई बिगनर भी है वो अप्लाई कर रहा है
तो उसको इस तरीके से देखा है कि वो इस तरीके से ही पकड़ेगा, वो यूं पेंसिल की तरह नहीं पकड़ोगे, इस तरीके से ही पकड़ेगा। सेम ऐसे ही इन्होंने ब्रॉन्जर वाले ब्रश में भी क्रिएट किया है, यहाँ पे स्पेस दिया है ताकि आप इसे ऊपर से पकड़े, आप अपना जो मेकअप है वो धीरे धीरे ब्लेंड करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत सारा मेकअप का ज्ञान दिया है। तो हो सकता है वीडियो में कहीं पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप किसी की ऑनलाइन कोई टीचर की क्लास अटेंड कर रहे हो, क्योंकि जब बात आती है कुछ समझाने की, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाती हूँ, मतलब मैं एकदम टीचरों की तरह बिहेव करने लगती हूँ, मैं सीरियस हो जाती हूँ। मैं किसी को कोई चीज़ समझा रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर उसको समझाने लगती हूँ, मैं हंसते खेलते नहीं समझा पाती। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा है या आपको मेरी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएं कि मुझे ये चीज़ आज नहीं पता चली, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, क्या इससे क्या होता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आगे काम करने की। अगर आपका कोई दोस्त है जिसे मेकअप पसंद है और वो जो मेकअप सीख रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अब मैं मिलूंगी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।